हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलदाउदी को कैसे अपने घर पे लगाएं। मैंने ये नर्सरी से लेकर के आया था। गुलदाउदी एक विंटर का बहुत अच्छा फूल देने वाली फ्लावरिंग है। बहुत अच्छा फूल इसमें आता है। मैं 4 प्लांट लेकर के आया था कल नर्सरी से। सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए, क्या क्या इसमें हम डालेंगे ताकि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, और जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आएगा तो मैं एक वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा आपको सॉइल मीडिया क्या क्या डालेंगे हम और कैसी इसकी मीडिया होनी चाहिए। 4 प्लांट मैंने लाया था ये गुलदाउदी का। देखते ग्रोथ बहुत अच्छा है इसका। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये है गार्डन सॉइल है और आज हम इसमें लगाएंगे। ये थैला है, ये थैला में लगाएंगे। ये मैंने नर्सरी से ही लिया था क्योंकि गमले छत पे वेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसलिए मैं इसका आज नर्सरी प्लास्टिक पॉट का ही यूज़ करूँगा। ये ग्रो बैग है, ये मतलब प्लास्टिक का थैला है और ये 9x9 इंच का है। ये बहुत सस्ता भी मिलता है और ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। अगर आपको मंगाना हो तो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चलता भी है। मेरे कई सारे प्लांट्स मर्चा वगैरह आप देख सकते हैं उसमें ही ग्रो हो रहा है, इतने छोटे से हमें ही ग्रो हो रहे हैं। बाकी मैं इसकी भी ग्रो बैग की डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा कि कहाँ से ग्रो बैग आपको लेना है, क्योंकि मैं एक बार, आपको पता है कि मैं जो भी बनाता हूँ नेचुरल बनाता हूँ, तो पहले एक बार मैं इसको देख लूँ ग्रो इसका क्या हो रहा है, फिर मैं आपको बताऊँगा। ऐसा ना हो कि फिर आप लोग मंगा लें और बोलेंगे कि सर आपने क्या कर दिया क्या कर दिया। तो मैं पहले अपना ग्रो कर लेता हूँ, इसकी रिस्पॉन्स देख लूँगा, फिर मैं ही आपको डिटेल बताऊँगा कहाँ से लेना है और क्या करना है। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे वीडियो इस तरह का मिलता रहेगा आपको। और स्टार्ट करते हैं, आपको हम बताएंगे, आप ये ग्रो बैग एक बार देख ले। बहुत मज़बूत होता है ये, इसकी लाइफ 2-3 साल से ज़्यादा ही चलते हैं। मेरे तो ज़्यादा है, करीब मेरे तो 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं कम बता रहा हूँ। नहीं तो सॉइल मीडिया आपको जो है, आपको 3 हिस्सा मिट्टी लेनी है और 1 हिस्सा गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट लेनी है। इसमें अगर आपके पास वाइट वाली रेत वाली बालू है तो दो हिस्सा आपको मिट्टी और 1 हिस्सा बालू और 1 हिस्सा गोबर की खाद आप डाल सकते हैं इसमें। तो चूंकि मेरे पास वाइट बालू नहीं है, आप डाल भी सकते हैं क्योंकि मेरे ये मिट्टी काफ़ी हल्की लग रही है। तो मैं इससे मेज़रमेंट कर, मैं एक बार कर लिया हूँ, तो ये तीन हिस्से इसमें ये मिट्टी आ रहे हैं, इसमें 3 हिस्से और 1 हिस्से गोबर की खाद में डालूँगा। तो इसको मैं मेज़रमेंट करके एक आपका रेशियो में एक बता देता हूँ। बाकी चूंकि मेरा 4 है तो मैं वीडियो को लंबा ना हो, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले इसको कर लेता हूँ, फिर आपको मैं करके एक बार दिखा दूँगा। तो एक मिट्टी में मैं कैसे बना रहा हूँ, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। 3 मिनट का होगा ये। एक पॉट ये मिट्टी हो गया यहाँ पर और 2 ये हो गया। और ये 3 हो गए। मैं आपको एक पॉट का बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वो कर। ये हो गया 3 पॉट मिट्टी हो गया। और इसमें नीम खली डालेंगे। नीम खली डालने से क्या फ़ायदा होता है कि जो भी फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है और नाइट्रोजन का भी काम करता है, तो इसलिए एक मुट्ठी में इसमें मिला रहा हूँ। उसके बाद हम लोग गोबर की खाद लेंगे। ये गोबर की खाद, 1 हिस्सा गोबर की खाद होगी, बर्मी कम खाद, फुल्ली डिकम्पोज लीजिएगा 1 साल पुराना। और ये हो गया, ठीक है, ये आपको कर दिए। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि आप फंगिसाइड थोड़ा सा मिट्टी में ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये साफ का फंगिसाइड है, इससे रूट गलता नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें आप लोग डाल दीजिएगा। ये ऑप्शनल है, वैसे डालेंगे तो अच्छा ही रहेगा, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और सबसे एक बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, SSP आता है मार्केट में, सिंगल सुपर फास्फेट। ये मेरा SSP है, मैंने इसको डिब्बा में ला करके रखा हुआ है। और इसमें से इतना 1 मुट्ठी के लगभग थोड़ा सा इसमें स्प्रिंगल कर देंगे ऐसे। इससे क्या फ़ायदा होता है, आपको SSP से क्या फ़ायदा होता है कि रूट जो है बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे,
तो मिक्स करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये मिट्टी को बहुत अच्छे तरह से मिला लिया है। अब मैं एक ग्रो बैग में मैं डालूँगा इस मिट्टी को, ग्रो बैग में मैं डालूँगा। और मैं एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इसका सीक्रेट आप कह सकते हैं। इसमें डिजीज़ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लगते हैं, इसमें कुछ वाइट मिली बग बहुत ज़्यादा अटैक करता है, और तिल्ली माहू वगैरह भी इसको बोलते हैं, वो सब भी अटैक करता है। तो आप हर हफ्ते जो है, हर हफ्ते आप नीम ऑयल का स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं, नीम ऑयल कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक ही कीजिएगा तो ठीक रहेगा। नीम ऑयल कीजिएगा तो वैसे डिजीज़ बहुत कंट्रोल होते हैं। बाकी एक मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि घर पे ही आप फ्री में कैसे आप फंगिसाइड और पेस्टिसाइड आप बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो डिटेल्स में वो चीज़ें वो आपको बता दूँगा। तो ये मैं पूरा थैले को नहीं भर रहा हूँ, क्योंकि पानी वगैरह मुझे डालना है, और एयर इसके निकालने के लिए थोड़े से आप हल्के हाथ से वो दबा दीजिएगा, और मैं आपको इसको लूँगा और मैं लगा कर बताता हूँ। इसको नीचे से पुश कीजिएगा, क्योंकि ये सीलिंग ट्रे में आता है। और ये देखिए रूट कितनी अच्छी है इसकी, इसका। और थोड़ी सी यहाँ पे गड्ढा करेंगे और इसको आसानी से बिना रूट हिले हुए इसको हल्के हाथों से ऐसे साइड साइड से मिट्टी लेकर के इसे दबा देंगे, ठीक है। और इसमें वाटरिंग करेंगे ये मेरा वाटर है, और इसको थोड़ी सी पानी, चूँकि मिट्टी हल्की गीली है, तो थोड़ा सा पानी दे करके और इसको हल्का शेड में पहले रख देंगे 1 से 2 दिन। और NPK 12x1 इसको बोलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 12x1 से क्या होगा कि बहुत सारे ब्रांच निकालेंगे, 10 दिन पे 1 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से 12x1 इसमें डालेंगे, और 15 दिन पे ह्यूमिक एसिड भी डालेंगे। ह्यूमिक एसिड आप डालिए और 12x1 इसमें डालेंगे। और इसका फ्लावरिंग होगा तो मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो बना के दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स, अभी 3 मुझे और लगाने हैं, तो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ अभी। फ्रेंड्स, मैंने 4 ये लगा रखा है, मैं 4 लगा दिया हूँ अच्छे से, आप देख सकते हैं थैला मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। इसकी ग्रोथ पे आप लोग केयरिंग कीजिएगा, फंगिसाइड स्प्रे करते रहिएगा, नीम ऑयल स्प्रे कीजिएगा, और 12x1 10 दिन पे आप फीड इसमें करते रहिएगा, 10 दिन बाद से जब भी लगाइएगा 10 दिन बाद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।